कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर बिगड़ने लगी पच्चीस अगस्त के बाद केसेस में रिकॉर्ड इजाफा एनसी का इजहार तशवीश एस ओ पी आरोप सख्ती से अमल दरामद की हिदायत परवाजों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की तकसीम आरोप पाबंदी आए ताली इदारों इज्त और शादी हॉल में जाम हिफाजती इकदाम के लिए सुबाई गुजरा सेहत और तालीम का खबूसा इजलास कल तरफ कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान मजीद नौ अफराद दम तोड़ गए मुस्बत केसेस की शराब सात आशारिया आठ फीसद रिकॉर्ड शहर कैद में ओमिक्रोन के चार सौ तीस की तस्दीक कराची में पैंतीस आशारिया तीन सिफर फीसद पॉजिटिव केसेस के बावजूद सुबाई हुकूमत का तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला सिंध में नए बलद्याती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें दें सरापा एहतजाज पी टी आई जी डी एम के एम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग फन चनल पीपल्स पार्टी के बलदयाती कानून के खिलाफ डट गई सताईस फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान बिल वापस ले जाने तक एहतजाज जारी रखेंगे एहतजाजी जलसे मुकर्रीन का कहता हिंदुत्व तहजीब मुसलत करने की भारतीय साजिशों पर कश्मीर के मुसलमान सरापा एहतजाज मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके को मैदान जंग में बदल दिया रियासती आवाम की जदोजहद आजादी को दबाने के लिए ने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आबादी का तनासब बदलने के मजमूम भारतीय अजायम नाकाम बनाएंगे नायब चेयरमैन हुरियत कॉन्फ्रेंस गुलाम अहमद गुलजार भारत की हुकूमत इस वक्त एक इंतहा पसंद हिंदू के हाथ में है मुसलमानों के खिलाफ मुनाफरत को हुकूमती सरपरस्ती में हवा दी जा रही है रवांडा में होने वाली नस्ल खुशी के तजुर्बा से अंदाजा होता है कि भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही हो सकता है भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी के बारे में मुतनबे कर रहे हैं सदर जैनोसाइड वॉच वि अमरीकी रियासत टेक्सास की सेनेगाग में यरगमाल बनाए गए तमाम अफराध को बाजियाब याब करा दिया गया तमाम अफराध महफूज रहे यहूदी इबादतगाह में एक शख्स ने चार अपराध को कई घंटे तक यरगमाल बनाए रखा दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20 लाख से जायद केस रिपोर्ट पाँच हजार अमवार अमरीका और फ्रांस के बाद सऊदी अरब जर्मनी ऑस्ट्रिया और बल्गारिया में भी एक ही दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आ गए चीन के शहर यानजिन में एक करोड़ चालीस लाख शहरों के टेस्टिंग का आगाज कर दिया गया स्वीडन ने भी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी बारिशों का नया सिलसिला कल से मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगा इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तुखा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश पहाड़ों पर बर्फबारी मुतव मालाकंड, हजारा सवाल कोहिस्तान गिल्कित बल्तिसान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खदशा सयाह दौरान इस सफर खसूस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मौसमी सूरत हाल ऐसी बाखबर रहें इंडिया में वेस्ट इंडीज में अंडर ना नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप आज सातवें मैच में दिफाही चैंपियन बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी गुजशतर रोज खेले गए मैचेस में भारत ने जुनूबी अफ्रीका आयरलैंड ने युगैनरा यूएई ने कनाडा और जिम्बाब्वे ने पापा न्यू गिनी को हराया कौमी जूनियर टीम अपना पहला मैच कल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी इवेंट के मुकाबले पी स्पोर्ट्स पर बरह रास्त ऑस्ट्रेलिया के सनासी कोकिनाकिस ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया कोकेनाकस के करियर का यह पहला टाइटल था रूस के असलान क्राथ्सियो की बर्तानिया के आंडे मरे को शिकस्त देकर सिडनी टेनिस क्लासिक टाइटल अपने नाम कर लिया वुमेन्स टाइटल स्पेन की पाउला बडोसा के नाम रहा और अमेरिका में स्की वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले जापानी स्केयर्स की फतुहात मर्दों के मुकाबले में जापान की इकुमा होरीशिमा तलाई तमगा जीतने में कामयाब वेमेन इवेंट में गोल्ड मेडल सत्रह साल एनरी कावामोरा के नाम रहा बसमिल खान खबरना का बायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में कोरोना की शिदत में इजाफा हो रहा है और मुस्बत केसेज की शरा फीसद तक पहुँच गई है हाल का जायज़ा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अजलास हुआ श्रका ने वबा की आदाद और शुमार वैक्सीनेशन के अमल और हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया ये फैसला हुआ कि कल तालीम और सेहत के शुबाई वजरा का अजलास बुलाया जाएगा जिसमें ताली शोबे अवाम इजामात और तकरीब रात इनडोर आउटडोर डाइनिंग और ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए एस ओ पीज़ पर गौर होगा ये भी तह पाया कि वबा से निपटने के लिए ज़रूरी इकदाम के सिलसिले में सूबों खासतौर पर सिंध के साथ बड़े पैमाने पर रब्ता किया जाएगा एन सी ओ सी ने सोमवार से हवाई सफर में खाने की फ्रहमी पर मुकम्मल पाबंदी नाफज कर दी है सिविल एविएशन से कहा गया है कि दौरान प्रवास मास्क के इस्तेमाल और हवाई अड्डों पर हफाजती इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए एन सी ओ सी ने शूबों पर भी जोर दिया है कि कोरोना एस ओ पीज पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करें और वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम को नाफज किया जाए वफाकी इकाइयों से कहा गया है कि ऑक्सीजन वाले बिस्तरों ऑक्सीजन के जखीरे और दीगर सहूलतों का फौरी सर्वे करें और वैक्सीनेशन के अहदाफ को हासिल करने की कोशिशों को तेज किया जाए पाकिस्तान में चौबीस घंटे में कोरोना से चार अमवात हुई हैं जबकि सात सौ नौ मरीजों की हालत है सिंध खास तौर तो पर कराची में कोरोना के मरीजों की तादाद में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और सिंध हुकूमत ने सूबे में ताली इदारे खुले रखने का फैसला किया है तफसी बताएंगी आयशा आफरीन शहर कैद में कोरोना और इजाफे की वजह आवाम की जानब ऐसी कोरोना दरामद में लापरवाही बरतना है जिसके सबब मुस्बत केसेस की शराह में बतदरीज इजाफा हो रहा है और शराह पैतीस आशारिया तीन सिफर फीसद पर आ चुकी है दूसरी जानब शहर कईद में ओमिक्रोन के भी चार सौ तीस केसेस की तस्दीक हुई है डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना और ओमनी वेरिएंट वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना वक्त का तक है मास्क पहनिए सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए बार बार हाथ धोइए ये सब एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करने से आप खुद को और दूसरों को महफूज कर सकते हैं कराची में वजी अला सिंह सैयद मुराद अली शाह की जिर सदारत होने वाले कोरोना ऐसी टास्क फोर्स के इजलास में सिंध हुकूमत ने सूबे में स्कूल खुले रखने और ताली सरगर्मिया जारी रखने का फैसला किया है इजलास में फैसला किया गया के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों का सर्वे करके गुंजाइश का जायजा लिया जाएगा इजलास में तमाम शादी हॉल्स मार्केटो आवामी मकाम पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया और शादी की तक में खाने बॉक्स में देने की हिदायत की गयी फ़्रेन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कराचीन दुनिया को कोरोना की नई लहर के चैलेंज का सामना है आलमी सतह पर नए मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है आपको बताएं कि 24 घंटे में 32 लाख से ज़्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं जबकि मोहलिक वायरस ने मज़ीद सात हजार आठ सौ सात अफराद की जान ले ली है भारत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नई दिल्ली समेत दूसरे शहरों में हफ्ते और इतवार के लॉकडाउन का नफाज शुरू हो गया है इन दो दिनों में सिर्फ जरूरी नौीय की दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है चौबीस घंटे में भारत में दो लाख सत्तर हज़ार से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए हैं वबा के फैलाव के बावजूद मगरबी बंगाल और उत्तर प्रदेश में हज़ारों यात्रियों ने दरिया गंगा में स्नान किया माहरीन के मुताबिक एस ओ पीज की खिलाफवर्जी की वजह से कोरोना के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा है चीन में हुक् ने कहा है कि हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की वजह से सूरत हाल कंट्रोल में है अमरीका की उन्नीस रियासतों में कोरोना के फैलाव में इजाफे के बायस हस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है हुकाम के मुताबिक इस वक्त तकरीबन तक तक एक लाख साठ हजार से जायदा मरीज हस्पतालों में दाखिल हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के तल्ल वक्त के साथ मुस्तकम हुए हैं सी पैक के दूसरे मरहले में खुराक सेहत जरात और गुरबत के खात्मे के लिए तान को वसद दी जा रही है चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ममलकत ने कहा कि नया आलमी निज़ाम उभर रहा है आलमी तल्लत की बुनियाद बालादस्ती के बजाय असूलों पर होनी चाहिए इकराम महसूद की रिपोर्टाद में चीनी मीडिया को इंटरव्यू में

दरिया बहरिया रोम यानी मेडिटेरेनियन को क्रॉस करना चाहते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते डूबने देते हैं तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो इंसानियत को एक नए अंदाज़ से सोचना चाहिए जो कश्मीर में हो रहा है मिसाल के तौर पर वो तो हमारे मुल्क की बात है ना वो तो किसी और मुल्क की बात नहीं है मेरे मुल्क के अंदर ये कैफियत हिंदुस्तान कर रहा है सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को यकीनी बना रहा है कि अफगानिस्तान दोबारा तनहाई का शिकार न हो जाए सदरे ममलिकत ने कहा कि सीपे के तहत तकरीबन 28 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं 24 अरब डॉलर के मंसूबे जेर तकमील हैं मनसूबों का पूरा पोर्टफोलियो मुख्तसर मुद्दत में बासठ अरब डॉलर ऐसी ज्यादा है सदर ममलिकत ने चीनी हुकूमत को बीजिंग सरमाई ओलंपिक के इनका आरोप मुबारकबाद देते हुए कहा की पाकिस्तान सरमाई ओलम्पिक में शिरकत करेगा उन्होंने कहा की खेलों को आलमी सियासत के भीड़ नहीं चढ़ाना चाहिए इस मौके आरोप चीनी मीडिया की जानब ऐसी सदर ममलिकत को बीजिंग सरमाई ओलंपिक का मैस पेश किया गया इकराम महसूद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद वजी तवानाई हम अजहर कहते हैं कि मख्त्य शोबों में असलाहत के जरिए मीशत को पायदार बुनियादों पर उसवाद कर रहे हैं दो हज़ार तेईस में बिजली की तरसील तरसीली नेटवर्क को तीस हजार मेगावाट तक बढ़ा दिया जाएगा शाहरुख शफी की रिपोर्ट देखिए इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तु करते हुए वफाक वजर तो हमाद अजहर ने कहा कि माजी की हुकूमतें तोानाई के महंगे माहे न करती तो फ्यूल एडजस्टमेंट का सहारा न लेना पड़ता उन्होंने कहा हकूमती इकदाम से मीशत को संभाला मिला और बरामदात और महासल में नमाया इजाफा हुआ है कस्टम्स पॉलिसी को एफ बी आर और टैक्स से अलहदा किया गया 200 अरब के करीब ऐसी इनपुट्स हैं जिनके ऊपर जीरो टैक्स जो है वो कर दिया गया है और इससे भी हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग मिला है एक्सपोर्ट्स को फरोग मिला है एक्सपोर्ट्स जो पिछली हुकूमत में नीचे गई थी वो इन शाह तीस अरब डॉलर पर लेके जाएंगे पहली मतब ऐसा हुआ कि हमने जो रिफॉर्म्स किए उसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है वो फैट एफ की कम्प्लाइंस की तारीफ कर रही है पाकिस्तान की और जो सताईस निकाती एजेंडा हमें दिया गया था जो सारी दुनिया समझती थी कि इतने छोटे अरसें यह मुकम्मल नहीं कर सकेंगे के दौर में दिया गया उसमें से हम 26 पॉइंट मुकम्मल कर भी चुके हैं हमाद अजहर ने कहा कि उम्मीद है रवा साल छह हजार अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे नीलम जेलम पावर के फेज टू से भी बिजली पैदावार शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गैस के जखायर कम हो रहे हैं और हमें इसका मुतबाद ढूंढना है काजेकस्तान से गैस की के लिए रूस से हमारी बातचीत चल रही है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा की दरामदी ईंधन के इस्तेमाल पर आयद हो रहा है गुजश्ता हुकूमतों की सारी तवज्जो दरामदी एल एन जी और कोयला पर थी अगर डेमो की तमीर पर तवज्जो दी जाती तो हमें इस सूरत हाल का सामना न होता उन्होंने कहा की जरिए शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत ने नमाया इकदम किए जिनसे फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई इस एन जी की बजाय अगर हमने डैम्स के ऊपर तोज्जो दी होती पिछले दस साल के अंदर तो आज यकीन माने कॉस्ट एडजस्टमेंट हमें लग के न आ रही होती इस वक्त दस डैम्स जो हैं वो जीर तामीर हैं और इन शाह तला पाकिस्तान सत्तर से अस्सी फीसद जो बिजली अपनी दो हजार तीस में बनाएगा वो इम्पोर्टेड ईंधन पर नहीं बनाएगा वो अपनी बिजली होगी आपकी वो या डैम से बन रही होगी या लोकल फ्यूल से बन रही होगी लोकल कोयले से या वो से रही वफाकी वजीर हमाद ने कहा की रवा साल पाँच फीसद्रोथ रेट हासिल करेंगे अगले पाँच साल भी रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी रहेगा एक सवाल के जवाब में हमाद अजहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है हर किसी को बोलने का हक है शाहरुख शफी पीटी न्यूज इस्लाम आबादी सलामती के मुशीर डॉक्टर ने कहा है की कौमे अपनी तरजीहत का तयन खुद करते हैं वजी अज़म और अस्क्री क्यादत के ताउन और हमायत से ही कौमी सलामती पॉलिसी मुतब हुई पाकिस्तान टेलीविजन से खसूसी गुफ्तगु करते हुए डॉक्टर ने कहा कि अपनी कौम से कुछ छुपाना नहीं चाहते इसी वजह से कौमी सलामती पॉलिसी का बड़ा हिस्सा पब्लिक किया गया है इस हिस्से में हमारी समत और तरजीहत वाज हैं मुशीर बरए कौमी सलामती का मजीद कहना था किफ़ और सलामती को यकी बनाए बग़ैर खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी मुमकिन नहीं Average citizen equals mm -hmm. how secure Pakistan is. All right. To get to that, economic security has to be at the core. All right. Because unless we have money, unless we have resources, we cannot distribute adequately to our human security mm -hmm. and to our traditional security, both of which are under resourced. Right. Right? Um, some of the principles we lay out um, national cohesion, mm -hmm. diversity has to be championed, okay. unity in diversity. Right.

to go to the national security committee of the parliament, which is created by the parliament, I, I assume because national security is sensitive, so it's not the entire parliament, but they have about 30 people yeah. with all parties, leaderships, and, and prominent politicians in it, mm -hmm. which is the forum where such things yeah. go. Yeah. Uh, we took it there on the 6th of december. unfortunately, the opposition boycotted. And not because of the policy. I think this was more mm -hmm. about you know the politics that goes on. The Senate Defense Committee, by the way, headed by uh, Senator Mushahid Hussain, mm -hmm. uh, called me in last week to to in a, for an in-camera hearing. Mm -hmm. We went. We presented. They were all very appreciative. The opposition was there. Mm -hmm. I'm very grateful. Mm -hmm. um, tomorrow, mm -hmm. anybody and everybody who wants to call us, we are mandated. We are bound. Right. So we are more than happy to do. that. डॉक्टर मुद यूसुफ का यह भी कहना था कि सलामती पॉलिसी के कुछ हिस्से को क्लासीफाइड रखा गया है जिसकी वजह फकत अमल दरामद को मुमकिन बनाना और माजी जमीन में अल्फाज के मनपसंद मानियों से पहलू तही है तर्जमान पंजाब हसान ख़ाबर का कहना है कि दरये रावी के दोनों किनारों पर छियालीस किलोमीटर लंबे हिस्से पर रावे रिवर फ्रंट मनसूबा वजी अजम इमरान खान के खाब की तकमील है अपने ट्वीट में तर्जमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि रावी रिवरफ्रंट शहरी फैलाओ को रोकने पानी की सतह को बुलंद करने और दरियाए रावी को बहाल करने में मदद करेगा रावी रिवर फ्रंट का पहला जोन चा, चाहार बाग आज शुरू किया जा रहा है उन्होंने कहा कि वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुजार ने ज्यादा आबादी ट्रैफिक की भीड़ आलूदगी और पानी की कमी से निमटने के लिए इस मनसूबे पर तेजी से अमल दरामद का हुक्म दिया है पहला मरला पंद्रह हजार एकड़ पर मुहित होगा और इसमें सेफायर एग्री नॉलेज टूपास ब्लॉक बराजस और झील शामिल हैं उन्होंने कहा कि रावी सिटी सूबे में निजी सरमायकारी और बैरून मुल्क मुकम पाकिस्तानियों के जरिए जर मुबादला लाएगा हसन खावर ने कहा कि ये मनसूबा हाउसिंग तामिराती सनत और दीगर मुतल सन्नतों के जरिए लाखों मुलाजमतें पैदा करेगा बात करेंगे भारत के केानूनी तौर पर जर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस के नायब चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने सतह पर तस्लीम शुदा मतनाज़ मुस्लिम अक्सरियती ख़त जम्मू और कश्मीर पर हिंदुत्व तहजीब को मुसलत करने की भारतीय साजिशों पर शदी तशवीश का इजहार किया है कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूस हैसियत को खत्म करने के बाद मोदी के फस्ताइ भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके को मैदान जंग में तब्दील कर दिया है और वह कश्मीरी जदोजहदे आजादी को दबाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही है गुलाम अहमद गुलजार ने काबज इंतजामिया की तरफ से इंसानी हकूक के नामवर कारकुनों मोहम्मद अहसनो होरम परवेज और सहाफी सज्जाद गुल की गैर कानूनी गिरफ्तारी की भी शदी मजम्मत की भारतीय पुलिस ने बारामूला बान्डीपुरा और शोपिया के अजला से आठ बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है इंतजामिया की तरफ से गुजर बकरवाल मुसलमान बरदरी के अफरा के मकानों को मिसमार किए जाने के खिलाफ राजौरी और जम्मू के इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे गए इंतजामिया ने रूपनगर और जम्मू के दीगर इलाकों में नाम नहाद इन सदादे तजावजा मुहिम की आड़ में गुजर और बकरवाल बरदरी से ताल्लुक रखने वाले मुतद खानदानों के मकान और दीगर ढांचों को मिसमार कर दिया तमाम मुतासर खानदानों के रूपनगर में धरना जारी रखा हुआ है, है यौम फौज बना रहा है उसके इलाके में संगीन खिलाफियां जारी रखे हुए हैं रिपोर्ट के मुताबिक क्योंकि उसके एहलकार मकबूजा इलाके में जंगी जराय और इंसानियत के खिलाफ जरा इत है की भारतीय फौज जनवरी के महीने में अब तक चौदह कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत कतल कर चुके है जबकि गुजश् तीन दिहाय में पिछानवे मोदी की, तो की, की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियां और हिंदू पसंदों की तरफ से मुसलमानों के नस्ल कु के लिए खुले अमेजी पर खामोशी भारत को बड़े पैमाने पर तशद और मुसलमानों के कतलेआम की तरफ ले जा रही है टेंटन इंडस्ट्री इंटरनेशनल अमेरिका के गोविंद आचार्य सुनीता विश्वनाथ और अमीना कौसर शामिल थी कांग्रेस की ब्रीफिंग की मेजबानी में भारत अमेरिका, मुसलमान कौंसल समेत कई तंजीमों ने की थी भारत में इतहा पसंद हिंदू तनजीमों की जानब से अकलीतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ मुनाफरत पर बबरी इकदाम में इजाफ़ा हो रहा है इंतहा पसंदों के ऐलाना पर मोदी हुकूमत भी खामोश है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इंतहा पसंदों ने मसाजद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है मुसलमान तंजीमों ने रद्दमल में कहा है कि मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज़ उठाने वाले याद रखें कि मंदिर में भी भजन और कैरतन होता है हुकूमत तमाम मजाब पर कवानीन का यकसा इतलाक के लिए इकदाम करे

When uh, riots and massacres in Gujarat uh, occurred that killed over a thousand Muslims. Uh, at that time, the Chief Minister of Gujarat uh, was Narendra Modi, and he did nothing. What we have now, though, is a actual member of the RSS, this extremist Hindutva oriented group, Mr. Modi, as Prime Minister of India. And so what we have here is an extremist who's taken over the government. We believe that is what the hardware uh, the hardware meeting was especially aimed at uh, inciting. Incitement to genocide is a crime under the Genocide Convention, and it is law in India that incitement of genocide is illegal. That law must be enforced.

जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल हो गया पायलट रास्ता भटक गया और अपनी दुरुस्त संत नहीं रख पाया हादसे की तहकीकत करने वाली तफ्तीशी टीम में भारतीय फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और एयर मार्शल मनमिंदर सिंह शामिल थे बैनी मंजरामे पे नजर दौड़ाएंगे आपको खबर दे की, की एक इबादत का बेत इसल में रिहाई के लिए पुलिस ने दस घंटे तक कोशिश जारी रखी जिसके दौरान अगवा कार हलाक हो गया इन अफराद को सुब की दुआई तक के दौरान अगवा कर लिया गया था इस वाक्य का ड्रॉप सीन होने ऐसी पहले धमाके और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई इस दौरान अमरीका के सदर जो बाइडन को भी वाक़े से आगाह रखा गया जनूबी बहरुल काहिल में जेरे समुदर आतशविशा फटने के बाद अमरीका और जापान ने अपने शहरों ऐसी कहा है कि वो बहरुल काहिल के साथ मौजूद साहिली पट्टी से दूर रहे जापान की जानब ऐसी साहिली इलाकों में तीन मीटर ऊंची लहरों और मुल्क के जनूब में एक आशारिया दो मीटर बुलंद लहरों के बारे में इंतबाह जारी किया गया है अमरीका की जानब ऐसी साहिली इलाके जेर आबाने और समुन्दर में तुगयानी के हवाले ऐसी तंबी जारी की गयी है जजीरा रियासत टूंगा के करीब जेरे समंदर एक बड़ा आतिश पिशा फटने से एक मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें इसके साहिलों से टकराई हैं। आतिश पिशा के फटने की आवाज़ जनूबी बहरुल गाहल के अक्सर इलाकों में भी सुनी गई है टूंगा के अक्सर इलाकों में आतिश फिशा के बायस राख भी जमा है और यहाँ तकरीबन मुकम्मल तौर पर बिजली मुनकता है फोन लाइन कट चुकी है और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है सोशल मीडिया पर एक वीडियो में देखा जा सकता है की एक गिरजा और मुताद घर जेरे आ चुके हैं ईरानी कमेटी बरए खारजा पॉलिसी की रकन जलील रहीमी जहान आबादी के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब अपने खाने दोबारा खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं जिन्हें सन दो हजार सोलह में सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन पर हजूम के हमले के बाद से बंद कर दिया गया था उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि ईरान और सऊदी अरब सफारती ताल्लुक बहाल करने की तैयारी कर रहे, रहे हैं और अफगानिस्तान में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर तीन हजार के करीब तालिबान को बरतरफ कर दिया गया है अफगान वजारत दिफा की एक कमेटी के सरबरा लतीफ हकीमी का कहना है की ये लोग करप्शन मुनशियात की स्मगलिंग और लोगों की निजी जिंदगी में मुदाखलत करने में मुलविस थे उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ अफराद के दाइश से भी रवाबित थे लतीफुल्ला हकीमी ने बताया कि चौदह अजला में तहकीकत के बाद इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई और इन अहलकारों की जगह शफाफ किरदार रखने वाले अफराद को तैनात किया जाएगा दूसरी जानब अफगान तालिबान और अपोजीशन के दरमियान मुजाकर किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए हैं मजामती तहरीक के अहदेदार अली मौजम ने पेरिस में सहाफ़ियों को बताया कि अतराफ़ के दरमियान खलीज बरकरार है उन्होंने कहा कि तालिबान ने उन्हें हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है लेकिन वह अपनी हमत अमली बदलने के लिए तैयार नहीं है तालिबान ने भी तस्दीक की है कि फ्रक़ैन के माँ मुजाकर हुए लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ रुक करेंगे कौमी ख़बरों का आपको बताएं कि आती तब्दीली की वजी ममलकत सरताज गुल ने पंजाब बैतुलमाल के जर तमाम जिला डेरा गाजी खान की मस्त खवातिन में सिलाई मशीन और माली इमदाद के चेक तकसीम किए सरताज गुल वजीर ने तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि वजी अजम इमरान ख़ान की हकूमत ने गरीब आवाम को तरजीह दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एहसास के फालत प्रोग्राम के तहत गरीब आवाम की इमदाद जारी है उन्होंने कहा कि बुजुर्ग अफराद को महाना इमदाद एहसास देवार एहसास बाजार के बाद एहसास दस्तरखान का सिलसिला भी शुरू किया जा रहा है कौमी शनाख्ती कार्ड को इंसाफ सेहत कार्ड का दर्जा दे दिया गया है और उसके जरिए सरकारी और उसके पैनल के निजी अस्पतालों में दस लाख रुपये तक का इलाज कराया जा सकता है जरताज कुल ने कहा कि पंजाब बैतुलमाल के जरिए मिलने वाली सिलाई मशीन से खुतिन बात रोजगार हासिल कर सकेंगी इस मौके पर जिले चेयरमैन बैतलम मोहम्मद हुसैन न्याजी और दीगर ने भी खिताब किया खवातन में सिलाई मशीन और मुस्तकिन में माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए खैबर पख्तनखा के वजीर कामरान बंगेश का कहना है कि अब सेहत कार्ड प्लस से खैबर पखतनख्वा के शहरियों को मुफ्त जिगर और गुर्दा की पैवंदकारी की सहूलत भी मयसर होगी अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिगर ट्रांसप्लांट के पचास लाख और गुर्दा ट्रांसप्लांट के चौदह लाख रुपये का खर्चा हुकूमत खैबर पख्तनख्वा बर्दाश्त करेगी रावल फिरने में मीडिया से गुफ्तू करते हुए वजी हवाबाज़ी गुलाम सर्र खान ने कहा है कि अपोजिशन के सफों में दराड़ें पड़ चुकी हैं जमनी मालियाती बिल की मंजूरी से हुकूमत ने अपनी बरतरी एक बार फिर साबित कर दी है नवाज शरीफ सजा याफ्तः हैं उनके साथ डील का तासर दरुस्त नहीं एक सजा याफ्ता शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने सात साल कैद बशक्कत सुनाई उसका इस्तकबाल इस्ताल होगा भाई अब स्कॉन्डर है आएगा तो सीधा जेल जाएगा आए उसे आना चाहिए वो जेली मेडिकल लीगल लेके मेडिकल रिपोर्ट लेके चार हफ्तों की कमिटमेंट करके वलैत गया है अब चार हफ्ते तो क्या कई महीने गुजर चुके हैं अब तो बरतानवी हुकूमत भी उसे पनाह देने के लिए तैयार है अब हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि हाई कोर्ट को रिजू किया जाए उसे वापस लाया जाए खबरें और भी हैं शामिल करेंगे के के हमारे साथ रहिएगा no country no country has suffered as much as afghanistan 40 years of conflict and then add to it recently prolonged drought 75% of the people living off the land and then even before 15th of august half the population below the poverty line years years of corrupt governance 75% of the budget supported by foreign aid now a country in this situation after 15th august if the foreign aid dries up the foreign reserves get frozen banking system freezes any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has uh, suffered for the past 40 years. If the world does not act, this will be the biggest man made crisis which is unfolding in front of us. We, uh, the OIC, it's a big responsibility on us because not only is it the situa situation in afghanistan as it unfolds but it's a religious duty to help them and i, and I speak to uh, the united states specifically they must de-link the taliban government from the 40 million afghan citizens even if they have uh, they've been in conflict with taliban for 40 year, uh, 20 years but this is a question of the people of Afghanistan. 40 million human beings. And that's why it is very important that action is taken immediately. Already we are late. बैक सिंध में नए बलद्याती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमाते सरापा है। कराची में होने में का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानव ऐसी पाकिस्तान तहरीक ऐसी सताईस फरवरी को घोटके ऐसी भी किया गया है सिंध बलदियाती तरमी बिल दो हजार इक्कीस के खिलाफ एहतिए सिंध में मुतहदा अपोजीशन जमातों के काफिले फवादा चौक पहुँचना शुरू हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एम क्यू एम पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक के अलावा दीगर अपोजीशन सियासी जमातों के कारकुनान बड़ी तादाद में काफिलों की सूरत में एहताजी धरने में शिरकत के लिए फवादा चौक पहुँचे एहती मुजाहरे से खिताब करते हुए पी टी आई सिंध के सदर और बहरी उमूर के वफाक वजीर अली जैदी का कहना था की सिंध हुकूमत इस काले कानून की आड़ में कराची के आवाम के खूब पर डाका डाल रही है ताहम हमारा एहतजाज इस बिल के वापस लेने तक जारी रहेगा रहे। तुम क्या समझते हो कि तुमने ये बदमाशी जो लगाई है वो चलती रहेगी बहुत हो गया अब टाइम आ गया टेम्परेचर बढ़ाने का जरदारी और इन हम सब मिलके धरने से खिताब करते हुए एम क्यू एम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल इख्तियार अपने पास रखना चाहती है और निचली सतह तक अख्तियार की मुंतकली न करना इसकी बदनीती और अवाम दुश्मनी साबित करती है पी टी आई के रहनुमा हलीम आदिल शेख करम शेर जमान एम क्यू एम पाकिस्तान के ख्वाजा इजार जी डी ए के सरदार रहीम हसनैन मिर्जा और पी एम एल एफ की नुसरत सहर अब्बासी और दीगर मुखरीन ने खिताब करते हुए कहा की सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहल तरीन है और ये आयन में हुकूमतों के खिलाफ काम कर रही है जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं इससे पहले पाकिस्तान तहरीक सिंध की एडवाइजरी कमेटी के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ऐसी खिताब करते हुए पी टी आई सिंध के सदर और बहरी उमूर के वफाक वजी अली जैदी ने ऐलान किया सिंध के बलदयाती कानून दो हजार इक्कीस के खिलाफ सत्ताईस फरवरी को घोटकी ऐसी कराची की जानब मार्च किया जाएगा जिसमें भर ऐसी लोग शरीक होंगे हसन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कराची पाक पाकबेरिया का जहाज पी एन एस आलमगीर खैर सकाली मिशन पर अफ्रीकी मुल्क तंजानिया पहुंच गया है तंजानिया के बंदरगाह दारुसलाम आमद पर पाकिस्तानी जहाज का पुरतपाक इस्कबाल किया गया इस मौके पर मिशन कमांडर ने अस्करी हुकाम से अहम मुलाक़ातें की जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ पाकबेरिया ने कोरोना से बचाव की हिफाजत इकदाम को मद्देनजर रखते हुए में मेडिकल कैंप का भी इक़ाद किया मेडिकल कैंप में पच्चीस सौ से जायद मरीजों को इलाज और अद्वियात की सहूलियात फराम की गई हैं तन्जानिया के आवाम ने पाकबेरिया के इस जज्बा खैर सगाली को सराहा और पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया दौरे के आखिर में दोनों ममालिक के बहरी जहाजों ने मुश्तर मशक में भी हिस्सा लिया इस दौरे का मकसद अफ्रीकी के साथ दो तरफा तरफ का फरोग और नई राहें तलाश करना है शहर कैद में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत सिंध हुकूमत की कारकरी पर एक सवालिया निशान बन चुकी है रिपोर्ट करेंगे सुहेल जमाली। गुजशत हफ्ते शादी का सहरा सजाने वाले 24 साल शाहरुख सलीम के अहले खाना के तस्वुर में भी ये बात नहीं थी कि उसके सहरे के फूल मुरझाने से कबल उसे आहों और सिसकियों में सुपुरद खा किया जाएगा शाहरुख को घर के दरवाजे पर उसकी वालिदा और बहन से असलह के जोर पर जेवरात छीनने वाले डाकू ने उस वक्त गोली मार दी जब वो घर से निकला इस वाकये के बाद से शादी का ये घर मातम कदा बना हुआ है शाहरुख के एहले खाना बेबसी की तस्वीर बने नजर आते हैं जबकि पुलिस की रिवायती अंदाज में तफ्तीश जारी है ये हमारी हकूमत बेहसी इतनी है अवाम मर रही है धकेतों खला छोड़ा हुआ है पुलिस जाके दस दस बंदे उठाती है पैसे लेती है छोड़ देती है इतनी खुशियों से हमने उसकी शादी की इतने अरमानों से पूरा घर खुशियों काला घर जो है वो मातम में बदली हो गया सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हली मदिल शेख ने शाहरुख के अह खाना के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शहर कायद में अमन वमान की सूरत हाल तश्वीशनाक हो चुकी है ये जितने टारगेट किलर्स हैं डाकू हैं नाइन्टी परसेंट वो लोग हैं जो जेलों से आज़ाद हो रहे हैं बार बार आज़ाद हो रहे हैं प्रोसिक्यूशन में तो मुझे जवाब दे सकता है और वजी दाखिला वज़ी अली साहब है उन्हें बताना चाहिए कि ये हुआ कि आज डकेत आज़ाद कर रहे हैं डाकुओं को पकड़े जाने का खौफ नहीं है शाहरुख सात बहन भाइयों में सबसे छोटा था और घर वालों की आग का तारा था उसके कत्ल का मुकदमा तो दर्ज हो गया है ताहम यह देखना अभी बाकी है कि इस घराने को इंसाफ कब मिलता है सुहेल जमाली पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कराची मौजूदा हालात और बढ़ते अफरात ज़र के तनाज़र में किचन के अराज पर कमी नागुजर है किचन गार्डनिंग यानी घरेलू पैमाने पर सब्जियों के काश के जरिए कीमियाई खादों और जहरीली अद्वियात पाक सब्जियाँ हासिल की जा सकती हैं शहरी पे किचन के अखराज में न सिर्फ कमी ला सकते हैं बल्कि तरोताज़ा सब्ज़ियाँ भी हासिल कर सकते हैं महकमा ज़रात पंजाब इस हवाले से अली कस्म के बीज का पैकेट सब्सिडी पर सिर्फ सौ रुपये में दे रहा है इस पैकेट में मौसम के एतबार से तमाम सब्जियों के बीज मौजूद हैं रुख करेंगे कराची का जिसके इलाके कलिफ्टन में तीन रोजा फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज हो गया है जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने अहल खाना समेत शिरकत की है तफसील बता रहे हैं जुहेब मोहम्मद जुहेब नित नए खानों के शौकीन अफराद की हो गई ईद

इससे इतनी बड़ी खुशी मिली सिटी को कि सारे लोग और उनके चेहरों में मैं देख रहा हूँ बहुत मुस्कुराहट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारा जिसना बिजनेस का स्टार्टअप है तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कराची वालों को खाने पीने की प्राइसेस भी काफी रीजनेबल हैं कम्पेयर टू आउटसाइड कराची इज द किंग सिटी इन दर्ल्ड फॉर फूड लवर्स जब तक ये बंद नहीं हो रहा है जब तक मैं यही हूँ नौजवानों ने फेस्टिवल में मशहूर तुर्क ड्रामा गाजी की धुन पर रक्स किया जिससे बच्चे बड़े सभी महजूज हुए ऐसी सरगर्मियाँ बड़ों से ज्यादा बच्चों के लिए तफरी का बायस बनती हैं ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खानों से शहरी लुत्फानदोज होते रहे इस फेस्टिवल में कराची के शहरियों ने खूब खाया पिया और वाजे कर दिया कि खाने पीने के मामले में हम भी किसी से कम नहीं मोहम्मद जुहेब पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कराची और अब लिए चलेंगे आपको काड़ा जहां दीवार एहसास का अफ्ताह कर दिया गया है यहां से ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े और बिस्तर दिए जा रहे हैं फतेह नवाज की रिपोर्ट देखिए वजीर अजम पाकिस्तान इमरान खान और वजी अल पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायात के मुताबिक जिले इंतजामिया उकाड़ा की जानब से भी ऊकाड़ा में दीवार एहसास प्रोग्राम का इनका अमल में लाया जा चुका है यहाँ से ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े जूते बिस्तर और गर्म चादरें दिए जाने का अमल शुरू हो चुका है इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का कहना है कि महरूम महशत लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखना और इन्हें सर्दी की इस शिदत में गर्म कपड़ों की फरहमी के लिए दीवारें एहसास प्रोग्राम का शुरू किया जाना काबिल तकलीद मिसाल है वो इनफरादी और इजतमाई तौर पर अपने इर्द गिर्द बचने वाले लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं दर अहसास से हर जरूरतमंद अपनी जरूरत के मुताबिक गर्म कपड़े जूते और चादरें हासिल कर सकता है ताकि वो सर्दी की इस शिद्दत से अपने आप को बचा सके उन्होंने कहा कि इस कार खैर में हिस्सा लेने वाले लोग अल्लाह की रजा के लिए इस अमल को जारी रखें इस मौका पर समाजी कारकनों समेत गैर सरकारी तनजीमों के नुमाइंदे और मख्य हजरात की भी कसर तादाद मौजूद थी चौधरी फतेहुल्ला नवाज भुट्टा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज उ पंजाब हुकूमत शहरों को अच्छी खिदमत खदम करने के लिए मजबूत प्रोग्राम पर अमल कर रही है तरक्याती लोधरा में बावन करोड़ रूपए की लागत से शहरों को बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी तेजी से जारी है जिसके तहत अड़तीस यूनियन काउंसिलो समेत शहर की गलियों को पुख्ता बनाने सीवरेज के निजाम की बहाली और पीने के साफ पानी की का फरा साल मार्च तक मुकम्मल कर दिया जाएगा रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला अब लोधरा के हल्का एन ए एक सौ इकसठ की चौतीस यूनियन काउंसिल में अड़तीस करोड़ रुपए की लागत से गलियों में टफ टायर लगाने के साथ इन इलाकों के मकीनों को पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए वाटर सप्लाई का, का काम तेजी से जारी है वाटर सप्लाई को भी सोलर पैनल पर कन्वर्ट किया गया है ताकि शहरियों को पीने के साफ पानी की फरहमी चौबीस घंटे यकीनी बनाया जा सके हमारे इलाके में पानी कड़वा था बड़ी मसले थे दूर दराज के इलाकों ऐसी पानी लेके आते थे टाइम का भी ज्यादा होता था पानी भी पूरा नहीं होता था अलहमद हमारे इलाके में मीठे पानी की ट्रबाइने लगी हैं हमारी पानी की जरूरत है वो पूरी हो गई है पंद्रह करोड़ रुपए की लागत से शहर की तीस वार्डो की गलियों में साढ़े चार लाख मुबा फिट टाइल और छब्बीस हजार फिट सेवरेज लाइन बिछाने का काम जारी है शहर की मरकजी डिस्पोजल को सोलर आरोप कन्वर्ट किया जा रहा है इन तमाम मनसूबों का फायदा शहरियों को पहुँचेगा और उनका मयार जिंदगी बुलंद होगा ये सीवरेज लैंड डाल रही है और इसके ऊपर पुख्ता गली टफल भी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाक के तावन से मिया साहब के हल्के में रूलर जो चौंतीस यूनियन कौंसिले हैं उसमें तकरीबन अठतीस करोड़ का काम जारी है जिसमें वाटर सप्लाई टफ टाइल सीवरेज के मनसूबे हैं। पंजाब हुकूमत शहरी और देही इलाकों की तरक्की के लिए मुतवाजन पॉलिसी पर अमल कर रही है शहरी सहूलतों को बेहतर बनाकर शहरियों को अच्छी खिदमित की फरमी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरजीह है अब्दुल्ला डहा पी टी वी न्यूज लोदरा मौसम की खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि बारिशें बरसाने वाली हवाओं का नया सिलसिला कल से मगरबी और बालाई इलाकों में दाखिल होगा जिसके बायस मंगल से जमरात तक इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तनखा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तो है इस दौरान मरीन, नथिया गली गलिया कागान नारायण चतराल दी कोहिस्तान हंजा गलगत वाद्य नीलम बाग़ और हवेली के अजल में बर्फबारी हो सकती है जिससे इन इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है महकमे मौसमियात ने मंगल और बुध को कोटा समेत बलोचिस्तान के मुख्त इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी की पेश की है माहरी के मुताबिक बारिशों के नए सिलसिले से गंदम की फसल और आबीज जखायर पर अच्छे असरा मरतब होंगे बारिशों से मैदान इलाकों में हालिया शदीद धुंद में कमी का भी इम्कान है और कई रोज से बंद मरी में दाखिले की मशरूत इजाजत देने का ऐलान पिंडी इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मरी में दाखिले की मशरूत इजाजत दे दी है मरी के तमाम दाखिल रास्तों से रोजाना आठ हजार गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी जबकि मरी के मकामी अफराध आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाक आर्मी की गाड़ियाँ इससे मुस्तना होंगी एमरजेंसी के अलावा शाम पाँच ऐसी पाँच बजे तक किसी गाड़ी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी लाहौर और इसके मजापात आज सुबह धुंध की लपेट में रहे जिसके बासूलती जिंदगी मुतासर हुए धुंध की वजह से मोटरवेज बंद रही और फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन भी मुतासर हुआ धुंध और मौसम की सूरत हाल जानने के लिए लाहौर से हमारे नुमाइे मौजुमद्दीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौसम बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में मौसम की जी बिल्कुल दारुल दारकूमत लाहौर गुजशतर कई दिनों से धुंध की शदीद लपेट में है और आज भी अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो इस वक्त भी आ, मेरे पीछे आपको धुंध नज़र आ रही होगी लाहौर शहर में रात 12 एक बजे के बाद खुले इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि सुबह 10 से 11 बजे तक जारी रहता है जिसके बाद जब सूरज निकलता है तो धुं की शदत में कमी वाक़ होती है और लाहौर शहर की जो सड़कें हैं वो क्लियर होना शुरू रहती हैं लाहौर शहर हमने देखा है कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है अगर हम धुंध की बात करें तो लाहौर शहर में शदीद धुंध के बायस इलामा इकबाल एयरपोर्ट के ऊपर भी फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है और रात बारह एक बजे के बाद से लेकर सुबह दस बजे तक तो जो फ्लाइट होती है उनमें से काफी फ्लाइटें अंदरून मुल्क मुल्क वो तखिर का शिकार या फिर कैंसिल कर दी जाती हैं अगर हम ट्रेन ऑपरेशन की बात करें तो जो सुबह सवेरे ट्रेन जो कि लाहौर पहुंचती हैं नौ दस बजे का टाइम है वो मुसलसल पिछले एक हफ्ते से दो या तीन घंटे तखीर का शिकार हो रही है जिसके बाद शहरीों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है अगर आज हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत छः डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज़्यादा तेरह डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा लाहौर शहर में इस वक्त भी जो खुले इलाके हैं वहाँ पर शदीद धुंधे और अगर आप देख सकते हो तो ये सिर्फ शहरी इलाका है सेंटर शहर शहर का इलाका है और पीछे आप देख सकते धुंध तो अगर नज़र आ रही होगी लाहौर शहर में महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल के रोज़ कुछ इलाकों में बारिश की पेश, पेशनगोई जाहिर की जा रही है और उसके अलावा जुमे को फिर एक बार बारिश होगी और हफ्ते को महकमा मौसम का कहना है कि लाहौर शहर के अंदर बारिश की पेशन गोई ज़्यादा है और हफ्ते को लाहौर बारिश हो सकी लाहौर शहर का जयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी आज ढाई सौ के करीब रिकॉर्ड किया गया ठीक है बहुत शुक्रिया मौसम आप हमें लाहौर की सूरत आगाह कर रहे थे और लाहौर के बाद रुख करते हैं मुल्तान का जहाँ गिरदो नमाह में भी सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है जबकि धुन की वजह से मामूल जिंदगी भी शरीद हुए हैं मुल्तान की सूरत हाल जानने के लिए हमने रहा है नुमाइंदे ख्वाजा कलीम ऐसी ख्वाजा कलीम बताइएगा मुल्तान में सर्दी और धुन की क्या सूरत हाल है जी मुल्तान में इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम अच्छा खासा सर्द हो गया है आधा से ज्यादा दिन तकरीबन गुजर गया है लेकिन अभी तक जो है सूरज नज़र नहीं आया शहरी जो है एक तो सर्दी की वजह से ठंडी हवाओं की वजह से और दूसरा धुंध की वजह से घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं मोटर जो है वो इस वक्त रहीम यार खान से ले शेर शाह तक मुकम्मल तौर पर बंद है रात जो मोटरवे बंद की गई थी रहीम यार खान से लेके मुल्तान का जो इंटरचेंज शेर शाह है वहाँ तक पूरे तौर पे मोटरवे बंद है इसके अलावा मुल्तान से टूर्ड्स लाहौर और टूवर्ड्स फैसलाबाद अब्दुल हकीम तक जो है वो भी पैचेस में धुंध है हद निगाह काफ़ी हद तक कम हुई है जिसकी वजह से मोटरवे पुलिस ने शहरीों को ये हिदायत की है कि वो गैर जरूरी तौर पर सफ़र से इजतनाब करें महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध का ये सिलसिला जो है वो आगे भी चंद दिन तक चल सकता है लेकिन ये बात ज़रूर है कि पिछले जो बारिशों का स्पेल है उसकी वजह से ये सर्दी शहरीों के लिए तकलीफ़ दे नहीं है इस हवाले से कि ये बीमारियों का बायस नहीं बन रही